press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मीरा रोड के कांग्रेसी नगर सेवक कल उस वक्त इसी टपरी को लेकर आपस में भिड़ गए। नौबत यहां तक आ गई कि मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। आइए जानते हैं दोनों भी नगर सेवकों से के क्या पूरा मामला था और क्यों वो आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के सामने आ गए। आइए जानते हैं पूरी बात। ये दुकान नहीं है, इसको आप टपरी बोलेंगे जी, क्योंकि ये इलीगल है। दुकान जो होती है वो लीगल ही होती है, ये इलीगल टपरी है जो आज जो अजीजिया मस्जिद जो है उसके बाजू में लग के है, और आज 2 साल से वो टपरी बंद ही पड़ी है। उस टपरी की आड़ में जो है लड़के लोग वहां पे खड़े रहते हैं, गलत काम करते हैं, कोई सिगरेट पीता है, चोर खड़े रहते हैं, लड़कियां खड़ी रहती हैं वहां पर उस टपरी के आड़ में। तो आज से 4 दिन पहले की बात है, मैं वहां पर झाड़ों की छाटनी करने के लिए गई थी, तो सब बिल्डिंग के लोग वहां पर नीचे आए थे। उन्होंने उनकी एक दरखास्त थी वैसे कि मैडम कि ये जो टपरी यहाँ पर लगी है इसे आप निकाल दीजिए, इससे हमें बहुत तकलीफ हो रही है, इस टपरी की वजह से यहाँ पे हादसे हो रहे हैं और चेन स्नैचिंग भी हुई है वहां पर, उसका भी वहां पे गुनाह दाखिल हुआ है पुलिस स्टेशन में, नया नगर पुलिस स्टेशन में FIR बना हुआ है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं इस पे जरूर मैं ये टपरी हटवाऊंगी। आज सुबह की बात है, मैं अपना नगर पालिका के लोगों को लेकर वहां पर कार्रवाई करने के लिए गई। हमने टपरी उठाई, टपरी उठा के हम वापस आगे की तरफ आ रहे थे कार्रवाई के लिए लोधा की तरफ। तो जिस बंदे की टपरी थी वो बंदा हमें फॉलो करते करते लोधा तक आया, और लोधा पे आने के बाद उसने प्रशासन के लोगों के पास गया वो, और उसने बोला कि भाई ये टपरी उतार दो। जुबेर भाई ने बोली है कि ये टपरी दे दो वापस, ऐसा उन्होंने 3-4 बार उनको बोला प्रशासन के लोगों को। तो प्रशासन के लोगों ने मुझे कहा, उनका नाम प्रकाश पाटिल है, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम वो ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बोलिए उनको कि आप जाके प्रभाग अधिकारी से बात कीजिए, वहां पर आप जाके बात करिए, आपको जो भी बात करनी है, बस ये इतना बोला था। और फिर हम हमारे काम में आगे की कार्रवाई में लग गए। जब वो बंदा जाने लगा तो रिक्शे में बैठा था वो, मुंह के अंदर एकदम उसको गुटखा भरा हुआ था, और जाते जाते जो है वो मुझे बोलता है ये दादागिरी जो है आपको बहुत भारी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि मैं तो यहाँ पे कोई दादागिरी करने आई नहीं हूं, मैं तो समाज सेवा कर रही हूँ, यहाँ पर लोगों के हित के लिए काम कर रही हूँ, जो इतनी बारिशों में भी जाके झाड़ कटवा रही हूँ। और वो जो टपरी पड़ी थी वो किसी की वहां से किसी की रोजी रोटी नहीं चल रही थी, वो 2 साल से बंद पड़ी थी, और उस वजह से जो है उस एरिया में गलत गलत काम हो रहे थे। मेरी उनसे आपस में कुछ ऐसी बात शिकायत नहीं हुई, उस बंदे के थ्रू उस बंदे ने कहा मुझे कि जुबेर भाई ने बोला है वो दे दो टपरी दे दो, जुबेर भाई ने बोला टपरी दे दो। तो मैंने बहरहाल उस चीज को इग्नोर किया, और मैंने जुबेर भाई को फोन भी किया 3-4 बार, पर उन्होंने फोन मेरा रिसीव नहीं किया। तो इसके लिए मुझे जो है इस पे सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि मैं एक नगर सेविका होकर लेडीज, और मैं लोगों के हित के लिए काम कर रही हूं, और अगर मुझे सामने से कोई थ्रेटन कर रहा है तो मुझे उसका रिस्पॉन्स वापस उसको रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो इंतजार करूंगी नहीं कि ताकि मेरे साथ कोई हादसा हो और उसके बाद मैं उस पर कुछ एक्शन लूं। मैं जब तक कि मैं नगर सेविका हूं मैं लोगों के हित के लिए काम करती रहूंगी, भले मेरे पार्टी का विरोध भी होगा तो वो भी मैं सह लूंगी, पर मैं इस काम से पीछे नहीं हटूंगी और लोगों की सेवा करती रहूंगी। उन्होंने दुकान उठाई, उनको उनका ऐसा बोला कि लोगों ने उनको कंप्लेंट किया। अब ये प्रभा का नगर सेवक मैं भी हूँ, गाँव में हम खड़े हैं जगह पर, इधर पीछे 10 साल से मैं नगर सेवक हूँ, मेरा 3रा टर्म है। जब वो अभी इसमें आई तो क्या है, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनको अगर किसी ने कंप्लेंट की है तो उनको मशवरा करना चाहिए था, उसे किया नहीं। उस बारे में हमारी थोड़ी सी क्या फैमिली है ना, घर में झगड़े होते हैं। सरकारी काम में अड़थड़ा डालने का मतलब, अगर ये टपरी उठा रहे थे जो भी, अगर वो अनधिकृत है उठा रहे थे तो मैं अगर उसको रोकने को जाता तो अड़थड़ा होता, मैं तो गया ही नहीं हूँ। आपके माध्यम से मुझे ये चीज़ पता चली है, मैंने अभी तक किसी से बात नहीं की, कोई मेरे पास अभी तक आया नहीं, और ना तो किसी पुलिस का मुझे फोन आया। हमारे कोई मनमुटाव नहीं है, हमारा आपस का पारिवारिक मसला है ये, और हम एक ही परिवार के, वो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, होता है ना, हमें कई ज़्यादा वक्त हो गया लोगों से, जिन्हें लोगों से मोहब्बत है तो हम कुछ करने से पहले 4 बार सोचते हैं उनके लिए।
विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि मनपा कर्मचारियों ने भाईंदर पुलिस थाने में जुबेर इनामदार और अन्य लोगों के खिलाफ में चोरी का मामला दर्ज किया है। कांग्रेसी नगर सेवक जुबेर इनामदार के आदमियों ने जैसे ही उस टपरी को वहां पर रखा, एफआईआर होने के बाद में प्रभाग अधिकारी क्रमांक 5 के सुदाम गोड़ से इन्होंने अपनी दिलेरी दिखाते हुए उस टपरी को दोबारा वहां से उठाकर महानगर पालिका में जमा करा दिया। आप देख रहे थे मेरे यानी साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।